दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा 17 फरवरी 2024 को हुई है। इस परीक्षा के द्वितीय पाली में यानी सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं इस वीडियो में हाजिर हूं, और सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सहित, बिल्कुल व्याख्या सहित, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो पूरे क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जहां आपको कंफ्यूजन होगा, वो सारा इस वीडियो में दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर एक है, और ये जिस भी सीरीज का है, मैं इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां लिया हूं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं। तो आप क्वेश्चन अपने में देख लीजिएगा कि आपके बुकलेट सीरीज में ये क्वेश्चन किस नंबर पर लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें दिया है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम क्या है। तो मैं आपको एकदम समझाने के तरीके से बताता हूं। मान लीजिए कि ये 11 मैं परिणाम लिख लेता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये कुल टोटल 11 परिणाम है। अब देखिए, इसमें जो बात दी गई है वो ये दी गई है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का योग दे दिया गया अलग से, और इधर 6 का दूसरा दे दिया गया योग। ये देखिए, ये तो इसमें ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कॉमन हो जाता है, ये नंबर कॉमन हो जाता है, और यही नंबर क्या है, छठा नंबर है। तो छठा नंबर जो है वो कॉमन हो जाता है, क्योंकि कुल ग्यारह ही परिणाम है, और 11 में से एक तरफ से 6 और अंतिम तरफ से, अंत की तरफ से भी 6 लिए गए हैं। तो ये बीच वाला जो है ये छठा है, सिक्स्थ है, और ये कॉमन हो गया है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए मैं आपको बिल्कुल सरल एक ट्रिक्स बताता हूं। देखिए, सरल ट्रिक्स क्या है कि जो 11 परिणामों का औसत है उसमें से पहले 6 का औसत 51 है, दूसरे 6 का औसत 59 है। अब ये जो 50 है 11 परिणामों का, इन सब में से माइनस कर दीजिए, तो 51 में से 50 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और 59 में से 50 निकालेंगे तो 9 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें 9 और 1 ये जोड़ दीजिए, 9 और 1 मिलकर के हो गया 10। इस 10 में ये परिणाम कितने हैं, 6-6 इधर हैं कॉमन, तो इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, ये हो गया 60। और इस 60 में ये जो 11 परिणामों का औसत है उसको भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 110। तो 110 छठी संख्या होगी और ऑप्शन ए सही है। तो ये सबसे सरल ट्रिक है। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड से भी इसको बता देता हूं, सम मेथड से। सम मेथड क्या है भाई, 11 परिणामों का औसत दिया हुआ है 50, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो 11 × 50 योग हो गया, तो ये 550 योग हो गया। 6 परिणामों का औसत दिया है 51, तो 6 × 51 कर लीजिए, तो देखिए 6 × 6 = 30। फिर दूसरे 6 का दिया है 6 × 59, तो इनका योग कर लीजिए 6 का, तो 6 × 9 = 54 के 4 हाथ में लगल 5 × 6 = 30 और 5 × 35। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10, 5 × 1 = 6 और 3 × 3 = 6, 660 हो गया। अब 660 में से 550 निकाल दीजिए, 6 × 5 = 1, 6 × 5 = 1, 110। तो दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये जो पहला मैंने ट्रिक बताया उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है, बाकी आप दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
दिप्तेश से प्रारंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दिप्तेश के लिए मैं डी यूज करूंगा और तुषार के लिए टी। तो दिप्तेश उस काम को 9 दिन में करता है और तुषार 12 दिन में करता है। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये 36 यूनिट कुल वर्क है। 36 यूनिट वर्क को 9 दिन में दिप्तेश करता है तो एक दिन में ये कितना करेगा, तो 4 यूनिट काम करेगा। 36 यूनिट काम को तुषार 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। तो दोनों का अब हम लोग यहां पर काम समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि काम यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर इंड होता है, मतलब यहां पर काम समाप्त होता है। तो पहले दिन फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर चौथे दिन, ऐसे ये काम चलेगा आगे की तरफ। तो अब देखिए पहले दिन काम कौन शुरू करता है, तो पहले दिन लिखा हुआ है कि दिप्तेश से काम आरंभ होता है, तो दिप्तेश पहले दिन काम किया। दूसरे दिन किसने काम किया, दूसरे दिन बारी बारी से करते हैं, तुषार ने काम किया। फिर अगले दिन दिप्तेश ने काम किया, फिर अगले दिन तुषार ने काम किया, फिर अगले दिन दिप्तेश ने काम किया, फिर नेक्स्ट डे तुषार ने काम किया। तो इस तरह से ये काम करते हैं बारी बारी से, ये काम आगे भी जारी रहता है बारी बारी से। तो अब हम लोगों को इसमें देखना क्या है, मेन जो बात देखनी है कि यहां से यहां तक, यानी ये कुल 2 दिन हुआ। देखिए एक दिन ये और दूसरा दिन ये, फिर ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, छठा सातवां और ऐसे आगे जा रहा। तो 2 दिन में इन दोनों ने यहां तक काम किया 2 दिन में। तो 2 दिन में दिप्तेश और तुषार दोनों ने काम किया। तो एक दिन में दिप्तेश 4 यूनिट काम करता है और एक दिन में तुषार 3 यूनिट काम करता है। तो इन दोनों का 2 दिन का जो काम है, 2 दिन में 4 और 3 मिलके 7 यूनिट काम कर लिए। 2 दिन में 7 यूनिट काम कर लिए। अब यूनिट काम नहीं समझ में आता है तो ये मान लीजिए कि 36 खिलौने बनाने हैं। 36 खिलौने बनाने के लिए दिप्तेश को 9 दिन लगते हैं, तो एक दिन में वो 4 खिलौने बनाता है। और तुषार को 12 दिन लगते हैं, तो तुषार एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। तो दोनों मिल करके एक दिन तुषार काम करता है और दिप्तेश काम करता है, दूसरे दिन तुषार काम करता है, तो 2 दिन में दोनों मिलकर 7 खिलौने बना पाते हैं। अब देखिए 2 दिन में 7 खिलौने बनाते हैं, खिलौने बनाने कितने हैं, 36। तो 36 में हम लोग 7 का भाग दे देंगे तो 5 बार ये चला गया, यानी ये 2-2 के पेयर जो बने हैं, ये 2-2 दिन के पेयर, ये 5 बार आएंगे। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे, तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 दिन तो ये हो गया। तो 10 दिन में कितने काम हो गया, 10 दिन में 35 यूनिट काम हो गया। 7 × 5 = 35, तो 10 दिन में 35 यूनिट काम हो गया। अब एक यूनिट काम बच गया, तो एक यूनिट काम जो बच गया उसमें बारी किसकी है, क्योंकि यहां पर जो 5 दिन आया है वो तुषार पर खत्म हो गया। तो अगला बारी किसकी है, माने शुरुआत तो दिप्तेश से हुआ था, तो फिर दिप्तेश को ये काम करना पड़ेगा और एक यूनिट काम बचा है। तो दिप्तेश देखिए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट काम करने में एक दिन लगता है, तो दिप्तेश को एक यूनिट काम करने में 1/4 दिन लगेगा, 1/4 दिन। तो टोटल कितना दिन में ये काम समाप्त होगा, तो टोटल देखिए 10 दिन ये आया है, अब प्लस जो एक यूनिट काम है वो 1/4 दिन में होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 40 = 41, तो 41/4 दिन, और यही इसका सही उत्तर है, 41/4 दिन, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये 33 मीटर कपड़ा जब बेचते हैं तो 11 मीटर का इनको विक्रय मूल्य यानी प्राप्त होता है, गेन प्राप्त होता है। यहां पर देखिए फाइंड गेन, गेन माने लाभ प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि इनके पास से जा रहा है 22 मीटर कपड़ा और 11 मीटर
का फायदा इनको हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जितने रुपए में ये 33 मीटर कपड़ा खरीद कर ले आते हैं, वह कपड़ा 22 मीटर ही बेचने पर इनको पैसा निकल आता है। अब 11 मीटर कपड़ा इनको बच जाता है, तो 11 मीटर जो कपड़ा बच गया है वही इनका प्रॉफिट है, वही इनका प्रॉफिट है। तो 22 मीटर कपड़ा बेच करके 11 मीटर का फायदा ले रहे हैं, यानी गेन प्राप्त कर रहे हैं। तो 100 पर करते तो कितना हो जाता, तो 11 दुना 22 और 50 दुना 100, तो इनको 50% का फायदा मिलता, 50% का फायदा। तो यह ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक प्राप्त हुए होते, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष तक जिस ब्याज दर पर रखा गया था, अगर 2% और बढ़ा दिया जाता उस ब्याज दर में, 2% और बढ़ा दिया जाता तो इनको 420 रुपये का अधिक लाभ होता। इसका मतलब कि ये 3 वर्ष 2% पर भी लागू होगा, यानी जो बढ़ाए हुए, इसे मान लीजिए कि x+2 ये परसेंट, तो 3 वर्ष के लिए बढ़ा करके ये आया है, 3 वर्ष का इसमें गुणा कर देंगे, तो हम लोगों को ये x मानने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 वर्ष जो बढ़ाया गया है 2%, तो 3 वर्ष तक बढ़ा ना, जो ये बढ़ा तो ये मिलके हुआ 6%। ये 6% बढ़ने के कारण ही 420 रुपया इनको मिला है, यानी ये 2% न बढ़ता पर ईयर तो इनको ना मिलता, तो ये 2% 3 साल तक बढ़ा रहा ना, तो कुल 6% हुआ, 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6% हुआ। तो ये 6% जो एक्स्ट्रा बढ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी के कारण इनको 420 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो 6% 420 के इक्वलेंट है, तो 100%, यानी 100% वो हमारा मूलधन है, मूलधन, और यही हमको निकालना है। तो मूलधन 100% है, तो 100 × 420 बटा में 6, तो 6 से ये 7 टाइम में कट जाएगा और यहां आपको मिल जाएगा 7000 रुपया। तो इनका मूलधन क्या था, 7000 रुपया था, और ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5000 रुपये निकाले, क्यू ने 4000 रुपया निकाले और आर ने 6000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 रुपये दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पी क्यू और आर ये 3 पार्टनर हैं। तो जब भी कोई काम साझेदारी में होता है, तो जो पैसा है, जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो उनके लगाए गए पूंजी और समय, उनकी कितनी पूंजी कितने समय तक लगी रही, उनके गुणनफल के अनुपात में होता है। लगाई गई पूंजी और लगाए गए समय के गुणनफल के अनुपात में उनके लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब देखिए 20,000 इन लोगों ने, सबने 20,000 लगाया है, 20,000 पी ने भी लगाया, 20,000 क्यू ने भी लगाया और 20,000 आर ने भी लगाया, 20,000 इन्होंने लगाया। लेकिन ये कितने दिन के लिए लगाया, तो देखिए 20,000 रुपया सबने 5 महीने के लिए, 5 महीने का महीने तक इनका 20,000 रुपया निकाल लिए, लगा रहा, और ये बात सब एक साल पर, देखिए वर्ष के अंत में लाभ की गणना हुई है, तो कुल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 5 महीना इनका 20,000 रुपया लगा रहा सबका, तीनों का। 5 महीने के बाद क्या परिवर्तन होता है, 5 महीने के बाद परिवर्तन ये होता है कि जो ये पी है, ये 5000 रुपया निकाल लिया, तो पहले 20,000 रुपया लगाया था, 5000 निकाल लिया, तो 15,000 रुपया इसका इसमें रहा। ये 15,000 रुपया कितने महीने के लिए रहेगा, तो ये 15,000 रुपया 7 महीने के लिए, भाई 5 महीना पहले लग चुका है, 7 महीना अब एक साल में और बचा है, तो 15,000 रुपया अब 7 महीने के लिए रहेगा।
अब इधर देखिए क्यू के साथ क्या हुआ, क्यू ने 4000 निकाल लिया, तो क्यू 4000 20000 में से निकाल लेगा तो 16000 बचेगा, ये प्लस करना है। 16000 रुपया इनके कितने साल के लिए लगा रहा, 16000 रुपया इनके 7 महीने के लिए लगा रहा। और यही हाल अब आइए हम लोग बात करते हैं आर के संबंध में। तो आर ने क्या किया कि 6000 रुपया और लगा दिया, तो पहले 20000 रुपया 5 महीने के लिए था, 6000 लगा दिए यानी 26000 रुपया लगा दिया। और ये कितने दिन के लिए लगा दिया, ये 7 महीने के लिए लगा दिया, जो नेक्स्ट 7 महीने ये जब जोड़ लेंगे तो ये पैसा जोड़ा जाएगा और पूरे एक साल का ये है। तो जब आप गुणा करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 205000, इनका आ जाएगा 212000 और इनका आ जाएगा 282000, ये आ गया और ये रेशियो में आ गया। देखिए ये पूरा 1,00,000 हो जाएगा और 15,775 से 105 यानी 1,05,000 और जोड़ देंगे तो 2,05,000 हो गया। इसी तरह से गुणा करके और सब में जोड़ना है, तो ऊपर वाला सबका 1,00,000 है, 1,00,000 में ये सब नीचे वाला गुणा करके जोड़ देना है, वो जोड़ने के बाद ये आ गया। अब इसे रेशियो बनाना है तो रेशियो बनाने के लिए 3 जीरो काट दीजिए। अब ये रेशियो आ गया 205 संबंधे 212 संबंधे 282। अब इन तीनों का हम लोग जोड़ लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 699 और 699 ये इनका लाभ का रेशियो आ गया। तो यहां पर लाभ कितना दिया, 34,950 रुपया दिया। तो 699 इक्वलेंट है 34,950 के, तो एक कितने का इक्वलेंट होगा, तो एक इक्वलेंट हो जाएगा 50 रुपये, यानी 699 से इसमें भाग देंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। अब आर का पी का हिस्सा पूछा है कि पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो पी का हिस्सा कितना है, 205 है, तो एक 50 के बराबर है तो 205 कितने के बराबर होगा, तो 205 गुणे 50 गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 0 और 5 5 25 पूरा लिख देंगे और 5 2 10 तो 10,250 रुपया पी का हिस्सा आ गया और ऑप्शन डी सही है, 10,250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया है कि अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये 14, 10, 6, 2 और इस तरह से 14वां पद क्या आएगा, 14वें नंबर पर कौन सा पद आएगा यानी कौन सा टर्म आएगा। जैसे पहले नंबर पर 14 है, दूसरे नंबर पर 10 है, तीसरे नंबर पर 6 है, चौथे नंबर पर 2 है, इसी तरह से 14वां नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो इसमें समांतर श्रेणी का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ये जो पहले नंबर पर होता है इसको प्रथम पद कहते हैं और इसे ए कहते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 10 और 14 का, ये हमारा सार्वंतर होता है। तो यहां पर ये आ गया है -4 और -4 को डी कहते हैं, डी माने कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 14वां पद 14 यानी T4, टी माने टर्म, नंबर 14, ये कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला होता है a+(n-1)(d). अब यहां जो n है वो तो 14 नंबर है, 14 नंबर पद निकालना है और a यहां पर 14 है तो a की जगह पर 14, n की जगह पर 14 और 14 में से 1 निकाल देंगे तो 13 बचेगा और d -4 आ गया तो -4 का गुणा हो गया तो 14-52 52 हो गया और 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 1 गया 3 तो ये -38 आ गया तो -38 यानी ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर के अनुसार 333.18 रुपया है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के नुमा कोई खेत है, तो इस खेत की जो ऊंचाई है ये हाइट, वो इसके बेस के, बेस इसका इस हाइट का 3 गुना है यानी 3h
हाइट का 3 गुना बेस है इसका। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ जो ट्रेंगल होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट यहां पर एच। अब यहां पर दे दिया है कि 100 वर्ग मीटर की लागत 24.68 रुपया है, तो कुल 333.  इतना वर्ग मीटर हुआ है, पैसा आया है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो 333.8 में 100 का गुणा करेंगे तो, और इसमें 24 और उससे भाग दे देंगे, 24.68 से भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगी एरिया इस ट्रेंगल की, क्योंकि 100 वर्ग मीटर के हिसाब से 24.68 रुपया दाम है, तो अब इतना दाम आया है। तो इसको हम लोग जब साल्व करेंगे, तो साल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1350 वर्ग मीटर, 1350 वर्ग मीटर आ जाए। अब यहां क्या करना है, देखिए दशमलव के ये 2 अंक हैं, दशमलव के ये भी 2 अंक, तो इन ये कट जाएंगे। जब अंश और हर में दशमलव के एक समान अंक होते हैं तो दशमलव हटा दिया जाता है। अब 24.68 से 33,318 में भाग देंगे तो ये 1350 आ जाए, 1350 वर्ग मीटर है। अब यहां पर ये, यहां पर हम लोग इसे रख देंगे, क्या रख देंगे भाई, 1/2 बेस कितना है, बेस हमारा 3h और हाइट h, और ये हो गया 1350। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1350 × 2/3। तो यहां देखिए 3 × 4 = 15, 450, 450 में 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 900, तो h स्क्वायर आ गया 900, तो h की वैल्यू आ गई 30 मीटर। तो बेस निकालना है, तो बेस कितना है, बेस है 3h, तो 3 × 30 और ये हो जाएगा 90 मीटर। तो इसका आधार आ गया त्रिभुज का 90 मीटर और ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, बंधन 20 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड, और उसे 500 मीटर की डिस्टेंस को तय करना है। तो देखिए यहां पर मीटर है और यहां पर किलोमीटर है, और इसमें कितने मिनट लगेंगे तो मिनट में निकालना है। तो इस 20 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर प्रति मिनट में बदल लेंगे, तो 20 किलोमीटर है तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल गया, और ये एक घंटा है इसे मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, तो अब ये आ गया मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट आ गई, और ये क्या है, ये चाल है यानी ये स्पीड है। तो इसको हम लोग चाहें तो काट दें, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो गया 1000/3 मीटर/मिनट। अब कितनी दूरी तय करनी है, 500 मीटर की दूरी तय करनी है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहां पर डिस्टेंस 500 मीटर, स्पीड कितनी है 1000/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, देखिए 500 × 1000 दो बार में कट गया, ये हो गया 3/2 और ये मिनट है, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 मिनट 500 मीटर की दूरी तय करने में लगेगा और ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 913 तक, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाया गया है। विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का यह अनुपात है। तो देखिए मात्रा का अनुपात 2001 में
यह अनुपात कितना है? तो 2001 में यह अनुपात है 10.6। 10.6 को हम लोग लिखेंगे 6/10, ये अनुपात हो गया। तो ये जो ऊपर वाला है ये आयात है, और ये जो नीचे वाला है ये निर्यात। तो ये रेशियो है 6:10 का। इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं, तो 2:5 हो जाएगा काट देंगे तो। तो 2001 की स्थिति आ गई। 2002 में क्या है? तो 2002 में ये 0.08 है, इसको हम लोग लिखेंगे 8/10। फिर इसी तरह से 2003 में देखते हैं कि क्या है। तो 2003 में है 0.3, इसको हम लोग लिखेंगे 3/10। फिर 2004 में है 1.2, और इसको लिखेंगे 12/10। 2005 में ये रेशियो है 1.5, और 1.5 को हम लोग लिखेंगे 15/10। फिर 2006 में ये है 10.9, 2006 में है 10.9, और 10.9 को लिखेंगे 9/10। और फाइनली 2007 में ये है 1.6, और इसको लिखेंगे 16/10। तीन नीचे की जो संख्याएं हैं वो सब निर्यात को बताती हैं, और जो अंश हैं वो आयात को बताते हैं। तो ये हम लोगों ने यहां देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से फ्रेम किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, सबसे कम था। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने निकाला है, ये ऊपर वाला आयात है और नीचे वाला निर्यात है, तो सब में 10-10 है। देखिए यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10, ये सब 10-10। तो सब निर्यात की मात्रा जो है वो 10-10 है। अब ऊपर आयात है तो ऊपर आयात कहां कम है? तो सबसे कम 2003 में है। देखिए 2003 में जो आयात है वो 3 है, और यही पूछ रहा है कि किस वर्ष में कम है। तो किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? तो 2003 में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि 2004 में आयात 240 करोड़ है और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? तो 2004 में, 2004 का रेशियो देखते हैं हम लोग, तो 2004 12/10 है। 2004 जो है 12/10 है, 12/10 नहीं, 2004 में 12/10। अब देखिए 12/10 है, तो ये 12 क्या है? ये आयात है, और ये 10 क्या है? ये निर्यात है। ठीक, अब यहां पर देखिए 2004 में आयात कितना है? 240 करोड़ का, तो ये 12 इक्विवेलेंट हो गया 240 करोड़ के, तो एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 12×2=24, 20 के, एक 20 के अनुपात हो गया। तो निर्यात कितना हो गया? यहां पर निर्यात 10 है, तो निर्यात हो गया 10×20=200 करोड़। तो 2004 में जो निर्यात हुआ वो 200 करोड़ का है। अब कह रहा है कि 2004 और 2005 को मिलाकर कुल निर्यात 500 है। 2004 प्लस 2005 इनका निर्यात कुल मिलाकर के 500 है। तो 2004 में निर्यात 200 करोड़ का आ गया, तो 2005 में निर्यात कितने आ गया? निर्यात
2005 में निर्यात, 2005 में निर्यात कैसे आएगा, 500 करोड़ में से 200 करोड़ जो 2004 में निर्यात है उसे निकाल देंगे तो 300 करोड़ बच गया। तो 2005 में 300 करोड़ का निर्यात है, तो पूछ रहा है कि 2005 में आयात कितना था, तो 2005 का रेशियो देखते हैं, तो 2005 का रेशियो 15/10 है। 2005 का जो रेशियो है वो 15/10 है, 15 आयात है और 10 निर्यात है। तो अब यहां पर जो आयात है ये 10 इक्विवेलेंट है 300 करोड़ के, क्योंकि 2005 में ये निर्यात है और पूछ रहा है कि 2005 में आयात कितना था, तो इसी से हम लोग आयात पता करेंगे। तो एक हो जाएगा 30 के, एक 30 के हो जाएगा, एक बराबर 30। तो यहां 15 की वैल्यू निकालनी है, यहां 15 की वैल्यू, तो 15 बराबर कितना हो गया, 15 तो 45, 450 करोड़ का। तो 2005 में आयात कितने का था, 450 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात जो है आयात से अधिक था ये बताना है। तो यहां पर आइए देखते हैं, यहां पर निर्यात आयात से अधिक था, तो देखिए यहां पर 2001 में निर्यात 10 है और आयात 6 है, तो यहां अधिक है। 2002 में भी अधिक है, 2003 में भी अधिक है और 2006 में अधिक है। तो कुल 4 वर्ष ऐसे हैं जहां पर निर्यात आयात से अधिक है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों में निर्यात आयात से कितना अधिक था। तो कुल 4 वर्ष ऐसे हैं, 2001 है, 2002 है, 2003 है और एक है 2006। तो इन चार वर्षों में निर्यात आयात से बड़ा है, यानी ज्यादा है, निर्यात आयात से ज्यादा है इन 4 वर्षों में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। तो 2002 में रेशियो क्या है, तो 2002 में 4/5 का रेशियो है, यानी 5 निर्यात है, या हम लोग यहां से देख ही लेते हैं। 2002 में देखिए 8/10 है, तो 8/10 को हम लोग 8/10 को 4/5 लिख सकते हैं, ये 8/10 था, इसको हम लोग चाहें तो 4/5 लिख सकते हैं। हम कह रहा है कि 2002 में आयात 260 करोड़ का था, तो ये आयात है और ये निर्यात है, ये आयात है और ये निर्यात है। तो आयात कितने का था, यानी 4 इक्विवेलेंट था 260 करोड़ के, तो एक कितने का होगा भाई, 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20, एक 65 करोड़ के हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि निर्यात कितना था, तो निर्यात यहां पर 5 है, तो एक 65 के बराबर, तो 5 कितने के बराबर, तो 5 × 65, तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 = 32, तो 325 करोड़ का निर्यात 2002 में था। तो 325 करोड़ ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2003 में और 2004 में देखिए यहां पर आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2003 में 3/10 है और 2004 का जो रेशियो है वो 12/10 का रेशियो, तो इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5, तो 1:3/10 का है और 1:6/5 का है, तो ये अनुपात है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो हम लोग कितना वृद्धि हुई ये बता पाने में सक्षम नहीं है, जब तक कि हमको एक्चुअल वैल्यू ना देता कि
2003 और 2004 में, 2003 में आयात पूछ रहा है तो 2003 में आयात 240 करोड़ का था या 560 करोड़ का, ऐसा कुछ वैल्यू दे देता और 2004 का वैल्यू दे देता तो हम लोग उससे तुलना करके ये देख लेते कि कितना करोड़ का वृद्धि आयात में हुई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यू नहीं दे रहा है, ये हमको केवल रेशियो मालूम है, तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकती, परसेंटेज निकाला नहीं जा सकता, तो इसके लिए डेटा अपर्याप्त है, तो ऑप्शन सी सही है। तो आपने देखा कि जो ग्राफ पर क्वेश्चन थे वो कितना इजीली हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं जिस सीरीज में कर रहा था उसके लास्ट में थे, तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता हो तो प्रत्येक बेटी को कितना हिस्सा मिला, प्रत्येक बेटी को, बेटी वाला पोर्शन निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 बेटों को, बेटों को सन कहेंगे, सन ये बेटे हैं, इससे हम लोग एस से इसको डिनोट करेंगे, बेटियों के लिए डॉटर, बेटियों के लिए डी का यूज करेंगे और भतीजों के लिए एन, एन माने निस, भतीजों के लिए निस होता है और हम एन का प्रयोग करेंगे। तो कितने बेटे हैं, बेटों की संख्या 5 है, बेटियों की संख्या कितनी है, वो है 4 और भतीजों की संख्या है 2। अब आइए यहां पर इनकी शर्त की बात करते हैं। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है तो d बराबर 4n, तो यहां से d संबंधे n बराबर हो जाएगा 4 संबंधे 1, ये एक रेशियो आ गया डॉटर और भतीजा में, यानी बेटी और भतीजा में एक रेशियो आ गया। और यहां दिया है कि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, बेटा यानी सन, ये एक एक की बात कर रहे हैं, एक सन एक बेटी एक भतीजा, तो प्रत्येक बेटे को भतीजों से 5 गुना अधिक मिलता है तो 5n हो गया। तो यहां से इनका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो एस संबंधे एन का रेशियो हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है 5 संबंधे 1 और हमको एन संबंधे एस चाहिए तो इसे भी पलट देंगे 1 संबंधे 5 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको डॉटर संबंधे निस संबंधे और सन चाहिए, यानी बेटियों में भतीजों में और बेटों का अनुपात चाहिए, ये अनुपात चाहिए। तो इस अनुपात को निकालने के लिए इसकी मदद हम लोग लेंगे, तो ये कैसे अनुपात आएगा, ये अनुपात देखिए डी संबंधे एन की वैल्यू दिया है 4 संबंधे 1 और ये एन ब्रिज का काम करता है तो एन संबंधे एस की वैल्यू है 1 संबंधे 5। अब यहां से हम लोग निकालेंगे डी संबंधे एन संबंधे एस यानी सन, तो इसको हम लोग उल्टा n के हिसाब से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 ये 1 और 5 एकम 5। तो ये जानते हैं क्या आया, एक एक लोगों का आया, एक बेटी एक भतीजा और एक बेटे का, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में 5 बेटे 4 बेटियां तो 4 का गुणा यहां पर करेंगे, 4 का गुणा यहां कर देंगे और भतीजे कितने हैं 2 हैं तो 2 का गुणा कर दिए और बेटे कितने हैं 5 हैं तो यहाँ 5 का गुणा कर दिए तो अब ये रेशियो हो गया 16 संबंधे 2 संबंधे 25, 16 संबंधे 2 संबंधे 25 ये अब रेशियो हो गया। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे तो यही वैल्यू, यानी जो ये 12,900 रुपया बांटे हैं वो इसी अनुपात में बांटे हैं, इसी अनुपात में,
तो ये देखिए 25 16 यानी 16 दूना 32 और 25 जोड़ दिया जाए, 25 और 32 5 5 25 16 और ये 2 तो 16 2 18 18 और 25 तो 8 5 13 2 1 3 1 4 तो 43 आ गया। अब यहां पर देखिए क्या करना है, ये 43 रुपया में 16 रुपया चार बेटियों को, 2 रुपया दो भतीजों को और 25 रुपया पांच बेटों को मिलता है। तो ये 43 कितने की इक्विवेलेंट है, 12,900 की इक्विवेलेंट है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आ गई 300 यानी 3 बार में ये कट जाता है। देखिए 3 3 9 3 4 12 3 बार में कट गया, तो एक की वैल्यू 300 रुपया आ गई। प्रत्येक बेटी को कितना मिला, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा 16 है, तो एक 300 के बराबर है। तो 16 कितने के बराबर होगा, 16 × 300 ये हो जाएगा 4800। तो चार बेटियों में 4800 रुपया बांटा गया, तो एक बेटी को कितना मिलेगा, तो एक बेटी को निकालने के लिए 4800 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे क्योंकि ये 4 बेटियों का पैसा है। तो 4 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। तो एक बेटी को 1200 रुपया मिलेगा और ऑप्शन ए सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दिवाली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी ग्रीटिंग कार्डों की उपयोग किया जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये 8 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग समझ लीजिए कि ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें से प्रत्येक आदमी, जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर वाला है, तो पहला नंबर वाला 2 को गिफ्ट देगा, 3 को देगा, 4 को देगा, 5 को देगा, 6 को देगा, 7 को देगा और 8 को देगा। तो कितने लोगों को गिफ्ट देगा, 7 लोगों को ये गिफ्ट देगा। पहला आदमी कितने लोगों को गिफ्ट देगा, 7 लोगों को गिफ्ट देगा। इसी तरह से दूसरा आदमी भी 7 लोगों को गिफ्ट देगा, तीसरा आदमी भी 7 लोगों को गिफ्ट देगा और कितने लोग हैं, 8 लोग। तो ये 8ों लोग अपने को छोड़ करके 7-7 लोगों को गिफ्ट देंगे, तब एक दूसरे को गिफ्ट दे पाएंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है कि एक आदमी 7 लोगों को गिफ्ट देगा और 8 लोग हैं तो कितने गिफ्ट होंगे, 8 × 7 = 56। इसका फार्मूला भी होता है n n-1, ये टोटल गिफ्टों की संख्या है, कुल गिफ्टों की संख्या निकल आती है। और ये n क्या है, ये व्यक्तियों की संख्या है। तो यहां n की वैल्यू है 8, तो n n-1 से निकालेंगे तो 8 × 7 = 56। तो 56 गिफ्ट चाहिए और ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसी केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। एक बात याद रखिए, जो HCF होता है वो LCM को विभाजित करता है, तो किसी भी किन्हीं भी संख्याओं का HCF और उन्हीं संख्याओं का जो LCM आएगा, तो LCM जो आएगा उस LCM को उन संख्याओं का जो HCF आएगा, मौसप आएगा, उसको डिवाइड करेगा। तो मौसप और लॉसप को विभाजित करता है। तो यहां पर देखिए HCF क्या दिया है, यहां HCF 15 है और यहां LCM क्या है, यहां LCM 138 है। तो 138 15 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये बात संभव ही नहीं है। तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि यदि 851 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग क्या है, तो यहां भाग बना लेते हैं, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग। तो 1/2
अनुपात है, फिर 2/3 है, फिर 3/4। तो यहां सबसे जो बड़ी बात होती है समझने की, ये जो हर में है 2, 3 और 4, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, निकालते हैं, तो इस पूरे में 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से यहां गुणा कर दीजिए पूरे में, यानी इनके 2, 3 और 4 के एलसीएम से गुणा कर दीजिए। तो 12 से यहां गुणा कर दीजिए, 6 बार में कट गया, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो 6, 8, 9 को 851 रुपये में विभाजित करना, तो 8 × 6 = 14 और 14 और 9 हो गया, इनको सब जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 23, और 23 इक्विवेलेंट है 851 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई 37। तो 1 37 है, तो पहला भाग का पूछ रहा है, तो पहला भाग यहाँ पर क्या है 6 है, तो 1 की 37 है, तो 6 की क्या हो जाएगी, तो 6 × 37 और इसमें 37 का गुणा, 6 × 7 = 42 के 2, 4 × 6 = 18, 4 = 22, तो 220 रुपया आ गया, 22 रुपया, तो 222 रुपया यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घट करके 2025 रह गई, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, मान लीजिए कि ये 100 लोग गांव में रहते थे, यानी ये 100% लोग गांव में रहते थे, अब क्या हुआ कि 10% लोग मृत्यु हो गए, मर गए, मृत्यु के प्राप्त हुए, तो 90% लोग बच गए, यानी 100 में से 90 लोग बच गए, इस 90 में से 2 हुआ 25% ने गांव छोड़ दिया, 25% ने गांव छोड़ दिया, इसका मतलब 75% गांव में रहे, और फिर जनसंख्या घटकर कितनी हो गई, 2025 हो गई। तो ये जो 75% है जो गांव में बच गए थे, वही ये 2025 लोग हैं, तो 90% का 75% यही बराबर है 2025 के, तो 25 × 75 = 2400, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2025 × 4/90 × 3। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 30, तो हमको 100% की बात करनी है, 100% की जनसंख्या निकालनी है, यानी कुल जनसंख्या गांव की कितनी थी, तो 100 × 30 बराबर आ जाएगा 3000, तो कुल जनसंख्या उस गांव की 3000 थी, तो 1 कितने के बराबर, तो 1 = 30 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 100% = 100 × 30 = 3000 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर 148 क्वेश्चन में दिया है इकाई का अंक ज्ञात करना, तो यहां देख लीजिए 68 × 12 × 35 = 28 है, 35 = 28 × 31 = 79 × 43 = 24 है। देखिए इकाई अंक निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इकाई अंकों को आपस में गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 होगा, तो इकाई का अंक 6 आ गया, अब 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 6 = 54 आ गया, अब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ गया, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 149 की बात करते हैं, यहां पर देखिए 4/12 दिया है गुणे 3/2, अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, तो जब इसे गुणे के चिन्ह में बदलेंगे तो ये 8/4 हो जाएगा, -12 + 4 ये है, देखिए ये 4 से ये 4 कट गया,
ये चार तिहाई 12 हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहां बच गया 11, यानी 1 1 − 12 + 4, देखिए 4 और 1 मिलके 5 हुआ और −12 ये हो गया −7, तो −7 इसका आंसर होगा और ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 की बात कर लेते हैं। 150 में दिया है 0.03 × 0.04 × 0.003 × 4 और 400 को हम लोग 4 × 100 लिख देते हैं। तो देखिए यह 0.00 जो 3 है इसमें 100 का गुणा करेंगे तो केवल 0.03 हो जाएगा, तो 3 × 0.04 × यहां से इसका और इसका गुणा मिला के करेंगे तो 0.03 आ जाएगा और यहां आ गया 4। तो देखिए 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, 16 × 9 हो गया 144। अब दशमलव के कितने अंक है तो दशमलव का यहां पर एक अंक है, यहां पर एक अंक, 2 अंक हुआ और 2 यहां अंक 4 हुआ, तो दशमलव के कुल 4 अंक हैं, यहां पर 3 ही है तो 1 0 बना करके दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0.0144 आएगा, तो 0.0144 ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स ये रहा 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस कांस्टेबल की सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन और ट्रिक अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो पेपर यानी 18 फरवरी को जो पेपर हो रहे हैं उसके भी पेपर मैं सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।